मैं नहीं उठाऊंगा क्योंकि मैंने बिस्किट खाने हैं, तो मैं चाय नहीं उठाऊंगा। यहाँ पर ना कप आपने हाथ में डाले ना, अभी आप बिस्किट नहीं उठा सकते। ये यहाँ पर रसम है क्या? ये रसम है ना आपको। ये तो गलत वाली रसम है, वापस रखो। देखते हैं कि खाने में क्या क्या चीज़ है। बिस्मिल्लाह। तो माशाल्लाह देसी माहौल में साग। शाह साहब माशाल्लाह। अच्छा अभी ये देखें, ये दोनों ही जा रहे हैं गन्ने के खेत में, ठीक है। आप ये देख सकते हैं मुकम्मल ये गन्ने के खेत हैं और ये लोग अंदर जा रहे हैं। वो देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपको भाई आफ्ताब बलोच। दोस्तों शुएब ने भी काश्त कर स्टार्ट कर दिए, ठीक है। शुएब ने भी गंदम जो है वो खुद उसने जो गंदम की बिजाई वगैरह की, अभी माशाल्लाह वो उगना भी स्टार्ट हो गई है। अभी आपको दिखाते हैं कि कहाँ पर ये अब देख रहे हैं, ठीक है। ये जो मेरा मुर्गों का सेटअप है तो उसकी सीढ़ियों का रास्ता यहाँ से जाता है, ठीक है। तो अभी जैसे हम ये खोलेंगे तो ये रहा शुएब। अस्सलाम वालेकुम। क्या कर रहे हो? गंदम की देखभाल कर रहा हूं। अपने गंदम की देखभाल। अच्छा दोस्तों अभी आपको दिखाते हैं शुएब की गंदम। तो ये रही शुएब की गंदम माशाल्लाह। तो ये आप देख सकते हैं, अब ये देखें माशाल्लाह। तो ये शुएब ने गंदम जो काश्त की, ठीक है। ये रहा अपना सीढ़ियों का रास्ता, ऊपर है अपना मुर्गों का सेटअप। तो ये रहा शुएब और ये रही इसकी गंदम। मैं पहले समझ रहा था कि यहाँ पर गंदम के दाने खुद ब खुद गिरे, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि शोएब ने जो है वो खुद अपने हाथ से जो है ये बिजाई किए माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अभी चंद सालों में अपनी जो खेती बाड़ी वो खुद ही संभाल लोगे, ऐसे ना। अच्छा। दोस्तों आपको शोएब की मेहनत कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जी दोस्तों इस वक्त मैं अपने खेतों पर चक्कर लगाने था, खेतों से चक्कर लगाकर अभी करीबी गाँव में जहाँ पर मैंने मुर्गियाँ छोड़ी हुई हैं तो वहाँ पर मैं आया हुआ हूँ, ठीक है। तो ये अभी रोटी के टुकड़े कर लिए वहाँ पर। आपको मालूम है जो हमारी कुड़क मुर्गियाँ थी, काफ़ी टाइम से आपको कुड़क मुर्गियाँ भी नहीं दिखाई थी, तो अभी कुड़क मुर्गियों को जो है ये दाना वगैरह डाल, इनके रोटी के जो टुकड़े हैं ये डालते हैं, ठीक है। और अभी आपको एक सीन भी दिखाते हैं, अभी आप ये सीन देखिएगा। जी दोस्तों असल में जो अभी आपको सीन दिखाना चाह रहा था तो अभी सीन वो रिकॉर्ड नहीं हो सका। असल में एक चूज़ा जो था ना अपना पुष्पा, उसको मैंने यहाँ पर छोड़ा होता तो वो बार बार दूर से बिल्कुल जैसे कोई परिंदा उड़ता उड़कर सीधा मेरे ऊपर, यानी कि इसको रोटी के टुकड़ों को देखकर ना सीधा मेरे उड़कर सीधा मेरे ऊपर चढ़ रहा था। तो मैंने कहा वो सीन रिकॉर्ड करते, लेकिन अभी वो सीन रिकॉर्ड नहीं हो सकता। तो खैर है, तो अभी ये जो रोटी के टुकड़े हैं अपनी मुर्गियों को निकाल कर इनको देते हैं। तो इसको हाल फिलहाल रखते हैं यहाँ पर और इनको लेते हैं हटा। तो एक अपने एक रही ये मुर्गी, ठीक है। तो इसको हटा लेते हैं और दूसरा इसको भी, वो तो बस रेडी थी आने के लिए। आह आह। तो ये इसको इनको यहाँ पर दे देते हैं। तो माशाल्लाह ये खा रही हैं, जब खा लेंगे तो फिर अपने अंडों पर बैठ जाएंगे, फिर इन्हें जो है हम बंद कर देंगे। जी दोस्तों मुर्गी ने दाना भी खा लिया, पानी वगैरह भी पी लिया, अभी वो खुद जाकर खुडों में बैठ गई। जैसे वो बैठ गई तो फिर उसके सामने हमने ईंटे दे दिए। ईंटे इसलिए देते हैं कि यहाँ पर जो मुर्गा है वो भी इन्हें तंग करता है और उसके अलावा जो ये बार बार निकलती हैं। तो अभी ये दाना वगैरह खा लिया, पानी पी लिया, तो इसे हमने बंद कर दिए। और मैंने अभी खाना खा लिया यहीं गाँव में, साग बना हुआ था तो मैंने रोटी वगैरह यहीं पर खा लिए। और अभी तकरीबन एक का टाइम होने वाला है और आज अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मा भी है, तो अभी चलते हैं सीधा घर। घर से फिर वज़ू वगैरह करके सीधा चलते हैं जुम्मा नमाज़ पढ़ने के लिए। जी घर पहुंचकर मैंने नमाज़ का वज़ू वगैरह तो कर लिया, लेकिन टाइम बिल्कुल भी थोड़ा है, जल्दी से मस्जिद पहुंचते हैं कहीं नमाज ना निकल जाए। जी दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह नमाज जुमा अदा कर ली, जैसे ही मस्जिद से निकले हैं इस वक्त मस्जिद में हम खड़े हैं, ठीक है। तो रऊफ शाह और तौकीर भाई में मिल चुके हैं, ठीक है। तो अभी खड़े खड़े प्रोग्राम बन गए, तौकीर कह रहा है कि आप मेरे साथ गाँव चलें, ठीक है। असल में दो चार दिन से ये प्रोग्राम था, रोफ चल रहा था, मेरा व्लॉग बनाने का मूड था पर जा नहीं पा रहा। रोशन ने कहा कि मैंने व्लॉग वगैरह बनाना है तो चलते हैं गांव की साइड पर, तोकीर के साथ बात होती। फिर अभी तोकीर ने कहा कि अभी जो है प्रोग्राम बनाए और चलते हैं, ठीक है। तो अभी पूछते हैं भाई लोग साथ रहे, हम जा रहे हैं देखते हैं व्लॉग। जी बिल्कुल चल रहे, ठीक है। तो फिर चलते हैं तोकीर के गाँव में, तो वहाँ पर देखते हैं क्या मंजर है, क्या सीन है, वो सारा कुछ गाँव चल कर आपके साथ शेयर करेंगे। जी दोस्तों नमाज पढ़ने के बाद रोहित शाह को कुछ अपने घर काम था, वो वहीं चला गया था और मैं और तोकीर आ गए थे मेरे घर। तो अभी यहाँ पर हम काफ़ी देर बैठे रहे, अभी रोहित शाह ने कॉल किया कि आप घर से बाहर आ जाएं और मैं आ रहा हूँ आपके पास, ठीक है। तो अभी हम खड़े हैं रोहित शाह के इंतजार में, देखते हैं कितनी देर में रोहित शाह आता है। दोस्तों अभी हम रोहित शाह का इंतज़ार ही कर रहे थे, तो कुछ तबलीगी दोस्त जा रहे थे तो उन्होंने आ गए, उन्होंने कुछ समय तबलीग वगैरह की, तो उसी दौरान रोहित शाह भी आगे। आपको तबलीग मुबारक हो, खैरियत, मजे में, काफी वेट करवाया यार, क्योंकि बाइक थी नहीं, बाइक अभी मिली है, ये 1998 की जब मैं पैदा हुआ ना तब की बाइक है। अच्छा, बड़ी मुश्किल से मिली है ये भी बाइक। तो अभी यकीन करें काफी देर से हम वेट कर रहे थे, ठीक है, एक घंटा हो गया तभी, काफी टाइम हो गया। चले तो चले चलते आगे, ठीक है, गाड़ी छोड़ दो, चलो सर बैठो तो। अच्छा
चलो भाई। जी दोस्तों, अभी हम तोकीर के गांव में पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे जो बैठक का सिस्टम है माशाल्लाह ज़बरदस्त, क्योंकि देसी माहौल का जो सिस्टम होता है ना, क्या ही बात है। तो ये रहा अपना रऊफ शाह साहब, और ये अयाज भाई। अयाज भाई जो है वो तोकीर का बड़ा भाई है। तोकीर भाई भी अभी आ गए, ठीक है। असल में घर चले गए थे तो मैंने कहा पता नहीं क्यों गए, तो अभी ये लाए हैं हमारे लिए बिस्किट और चाय। सर जी जनाब, चाय उठाएं। बिल्कुल चाय उठा रहा हूँ मैं। तो एक कप नहीं यार, मैं नहीं उठाऊंगा क्योंकि मैंने बिस्किट खाने हैं, तो मैं चाय नहीं उठाऊंगा। चलिए ठीक है, आप बिस्किट, आप जो यहाँ पर ना कप आपने हाथ में डाले ना, अभी आप बिस्किट नहीं उठा सकते। ये यहाँ पर रसम है, ये रसम है ना आपको। ये तो गलत भाई रसम है, वापस रखो। ये कौन सी रसम है भाई? मैं बिस्किट खा रहा हूँ उसके बाद। अच्छा, यहाँ पर दूसरी रसम पता है क्या? डुबोगे खाने वाली है ना, ये तो हमने बहुत खाई है। अच्छा, यहाँ पर दूसरी रसम पता है क्या है? दूसरी रसम ये है कि जब भी कोई मेहमान अगर एक मर्द अगर कप उठा ले, उसके बाद जब दोबारा रखता है, फिर उसे हम चाय भी नहीं देते। बिस्किट तो मिलेगा। बिस्किट आप खा सकते हैं, चाय। बिस्किट खा रहा हूँ मैं, चाय के वैसे इतने शौकीन नहीं है। अच्छा, मैं मजाक कर रहा हूँ, आप चाय पिए। मुझे पता है आपका दिल से नहीं है, दे दो। नहीं दे तो ठीक है, बिस्किट खा दे। मैं आपकी वजह से अपना व्लॉग नहीं बना रहा हूँ, मेरे चाय बिस्किट वाला भी शूट चला गया, इंट्री वाला भी चला गया है। अब तुम अपना व्लॉग यहाँ बंद करो, सुबह कंटिन्यू करना है यहाँ से। बिस्किट खा लो। तो दोस्तों, मसला ये, आपने जैसे देखा कि आया, मैंने सीन रिकॉर्ड किया, ठीक है, आपको अयाज भाई का तारुफ भी करवाया, चाय आ गई। तो जहर बात है भाई, अगर आप यूट्यूबर हैं, व्लॉगर, तो ये चीज़ें तो हैं। अभी रऊफ शाह साहब कह रहे हैं, अभी रऊफ मच्छर आया चला गया, कट कर गिन। अच्छा, मैं रहने देते हैं यार, ठीक है। आप ये देखिए, हंसेंगे इस बात पर। अभी रऊफ भाई कह रहे हैं कि यार मैंने इरादा करना था कि भाई इंट्री का मैंने रिकॉर्ड करना है, वो आपने कर लिया। उस चाय का मैंने सीन रिकॉर्ड करना था, वो आपने कर लिया। तो भाई मेरी बात सुने, अगर आप व्लॉगर बनना चाहें ना, तो ये सीन बार बार नहीं मिलते। मेरे साथ कितने मरतबा सीन हुए, तो मैं हाथ से ये मौका जाने नहीं दूंगा। आगे वाले मौके नहीं, पहले मैं चेक करूँ रिकॉर्ड हो रही है। हाँ ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। तो भाई सबसे पहली चीज है कि आप रिकॉर्ड करें, आपको किसने मना नहीं किया। हो सकता है मैं आपसे अच्छा सीन सोच के बैठा हूँ, और हो सकता है कि वो मैं आपसे पहले रिकॉर्ड कर लूं। नहीं नहीं, ऐसे नहीं लूंगा मैं, मेरा कैमरा ऑन हुआ है नहीं। तो बहरहाल मेन चीज ये है कि भाई जिस टाइम जो चीज आपके पास आए, चाय है तो चाय पीने, तो वो रिकॉर्ड सीन करें ना, मौका अपने हाथ से ना जाने दें। चले तो सराकी में मिसाले, सोचे प्याते बंदा आ गया, तो भाई पहले मैं चाय पी लेता हूँ, ये चाय पी के जा रहे हैं, चाय और गई जाएगी ठंडी, तो पहले चाय पीते फिर बाद में मिलते हैं। जी दोस्तों, आज जुमे का दिन भी है, ठीक है। तो आपको पता है कि जुमे के दिन मेरी रूटीन होती है कि मैं कब्रिस्तान जाता हूँ, अपनी वालदा की कब्र और दादा दादी, वहाँ पर मैं फातिहा पढ़ने के लिए जाता हूँ। और कब्रिस्तान इसी गांव में जहाँ पर मैं मौजूद हूँ इस वक्त, हम जहाँ पर आए हुए तोकीर के पास। तो अभी मैंने दोस्तों को कहा है कि वैसे इरादा था कि भाई कब्रिस्तान से होकर हम वापस चले जाएँ, लेकिन तोकीर भाई ने कहा कि नहीं यार, अभी आपने नहीं जाना। असल में तोकीर ने शायद यहाँ पर हमारे लिए खाने का बंदोबस्त भी किया हुआ, यानी कि हमने कहा ठीक है चाय वगैरह पी लिए तो चलते हैं। तो तोकीर ने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं जाना, खाना खाकर बाद में जाना। मैं कहा ठीक है, अभी यहाँ पर बैठे तो चलते हैं कब्रिस्तान, वहाँ पर फातिहा पढ़ते हैं। सर तो चलें, ठीक है। उसके अलावा जो है ना, रऊफ शाह देहात में गांव में कम आया है, ठीक है। ये तो कराची में पढ़ता रहे, अगर हमारा जो शहर है उबाड़ो वो भी सिटी है, तो इसे क्योंकि कब्रिस्तान वहाँ पर जाएंगे फातिहा वगैरह पढ़ने के बाद, कुछ इसे गाँव का जो है विजिट भी, यानी कि टूर भी करवाएंगे। तो सर आप बाइक निकालें, ठीक है। तो कब्रिस्तान में आकर हमने यहाँ पर फातिहा वगैरह पढ़ लिए। तो कुछ दोस्त फेसबुक पर मुझसे ये कमेंट्स भी कर रहे थे कि आपके जो है कौन फोत हो चुका है, यानी कि फोत तो काफ़ी हो चुके हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है इस जो इन दिनों में जो फोत हुए, ठीक है, चंद सालों में मेरी वालदा फोत हो चुकी हैं, मेरा दादा दादी नाना नानी, यानी कि ये फोत हो चुके हैं। तो आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि उनके लिए भी और जितने भी मोमिन इस फ़ानी जहान को छोड़ कर चले गए, उन तमाम के लिए मगफरत की दुआ ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह पाक जो है तमाम मोमिन की मगफरत फरमाए और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। जी दोस्तों, माशाल्लाह देखें, सूरज बिल्कुल भी गुरूब होने वाला है, आप देख सकते हैं, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सीन नज़र आ रहा है। और इस वक्त जो है हम यहाँ पर ये तोकीर रहा, तो तोकीर के ये खेत हैं, ठीक है, गंदम इसने काश्त की हुई थी। तो रोशन का कि यार कुछ मुझे देहात का माहौल दिखाएं, तो फिर हम यहाँ पर आ गए। सर
सुनाए कैसा माहौल लगा आपको? माशाल्लाह बड़ा मजीद, सुकून मिल रहा है। हाँ, मजीद आपको और भी सीन दिखाते हैं, ठीक है? पर आप मेरे सीन ले रहे हो, मेरे सीन भी आपको कॉपी कर रहे हो मेरे सीन। नहीं एक मिनट, एक मिनट दोस्तों, नाराज हो रहा है कि मैं सीन कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी कहते हैं कि अगर पहले ये रिकॉर्ड करे या इस यार मैं सोच रहा हूँ मोबाइल निकाल रहा हूँ, आपने बना लिया। एक मिनट, नहीं नहीं आप मोबाइल भी Not नहीं फेयर यार, आप मोबाइल भी नहीं निकाल रहे। असल में पता क्या है, या आप मुझे कहते कि मैंने ये सीन रिकॉर्ड करना है, या आप रिकॉर्ड करते तो मैं करता कॉपी होता, ठीक है? तो आपने ना मोबाइल निकाला ना मुझे बताया, ठीक है? बात ही नहीं, कवर कर गए अपनी सारी बात, मतलब बातों ने हो कवर कर गए सारी बात। आपकी मर्जी, आप इसी को तस्लीम करें ना करें। देसी बनाऊंगा, इसका नहीं दिखा देना भाई, मैंने करना इसका शॉट नहीं लेना, बता रहा हूँ। ये तुमने ले लिया पहले वाला, तो इस वक्त ट्राली जो है वो बिल्कुल लोड है, मेरे ख्याल में ये शुगर मिल में ही जाएगी, तो ये तैयार है। अस्सलाम वालेकुम सदाम भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए तबीयत सेहत ठीक? आपकी मेरे ख्याल में एक ट्राली, क्या मिल में जा रहे हैं आप? ठीक है, तो कभी हमें मिल में ले चलो जब दिल करे ऐसे। असल में मैंने दोस्तों से भी कहा हुआ है, असल में मैंने एक्सपीरियंस करना है कि एक दिन जैसे आप लोड करोगे, तो जैसे आप लोड करके आपके साथ मैंने जाना है, वहाँ का पूरा माहौल दिखाना है कि ये क्या प्रोसेस होता है। मैं तो चाहता हूँ अभी चलें, अभी तो नहीं, अभी अचानक है इंशाल्लाह, नेक्स्ट टाइम अगर आप लेकर चलेंगे तो चलेंगे, दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे कि क्या प्रोसेस होता है, कितना टाइम लगता है, क्या चीज़ है, सारा कुछ माहौल दिखाना। सही है सही है, जब आपको दिल चाहे। बड़ी मेहरबानी सर, ठीक है, थैंक यू थैंक यू। अभी मैं रऊफ शाह से काफ़ी पीछे आ रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि असल में रऊफ शाह सोचते रहते हैं दिमाग में, मैंने ये क्लिप बनाना है, ये बनाना है, वो शायद सोचते रहते हैं, बात भी नहीं करते। मैं क्लिप बना लेता हूँ, फिर वो माइंड कर, फिर वो नाराज़ हो जाता है कि यार ये सीन तो मैंने रिकॉर्ड करना था। तो अभी उसको मैंने कहा भाई आप आगे जाएं, अपनी मर्ज़ी से रिकॉर्ड करें, ताकि मेरे ऊपर ब्लेम ना आए कि मैं आपके सीन जो है वो पहले से कर रहा था। ज़ाहिर बात है एक यूट्यूबर जो होता है, व्लॉगर होता है ना, वो कोई भी सीन हो वो रिकॉर्ड करता है। अभी ज़ाहिर बात है चाहे हमारे दोनों के सामने बराबर आई, तो वो अपने हिसाब से रिकॉर्ड करता, मैं अपने हिसाब से रिकॉर्ड करता, तो जो चीज़ दिखेगी। तो इसीलिए मैंने कहा भाई आप पहले जाएं, आपको जो रिकॉर्ड करना है आप वो कर लें। तो अभी वो आगे, अभी मुझे बुला रहा था कि आप सब भाई आप आएँ, मैंने कहा नहीं आप अपने रिकॉर्ड करें, मैं आपके पीछे ही हूँ। अच्छा अभी ये देखें, ये दोनों ही जा रहे हैं गन्ने के खेत में, ठीक है? आप ये देख सकते हैं मुकम्मल ये गन्ने के खेत हैं, और ये लोग अंदर जा रहे हैं, वो देखें भाई। हेलो, मैं अंदर नहीं आ रहा भाई, गन्ने के खेत में खतरे से खाली नहीं अंदर आना। एक तो अंधेरा हो चुका है, और फिर जा रहे हैं आप गन्ने के खेत में, इस टाइम गन्ने के खेत के अंदर कौन जाता है भाई? यार वो इस टाइम वो जा रहे हैं गन्ने के खेत में, आप समझ सकते हैं कि गन्ने के खेत में, आप समझ सकते हैं भाई। अल्लाह हाफिज़ भाई, मैं जा रहा हूँ इस टाइम गन्ने के खेत में। यार लोग क्या कहेंगे, जो रिकॉर्ड करना है बाहर रिकॉर्ड करो, गन्ने के खेत में नहीं भाई। तोकीर भाई ने गन्ना तोड़ दिया, ठीक है? इसे क्योंकि अच्छा तजर्बा है कि भाई गन्ना कौन सा अच्छा है, तो चलें यार बाहर निकलें, चलो ठीक है, चलें चलें। मुझे नहीं पता गिरे थे, होशियारी यार, क्या कर रहे हैं भाई? भाई मैंने क्या किया? तो अभी मगरिब की अजान हो रही है, तो अभी कैमरा को करते हैं बंद। ये लें चाबी, वो रही बाइक, चलें। आप चलाओगे भाई? नहीं मैं नहीं चलाऊंगा, मैं नहीं चलाऊंगा बाइक, मैं यकीन करें सर्दी है तो फिर अपन, मैंने आपसे मुकाया था कि जाते हुए मैं चलाऊंगा बाइक, आते हुए आप नहीं, ये कभी बात नहीं हुई। तो ले चलाए, मरवाएगा सर्दी में यार, चलो बैठो सर जी। दोस्तों अभी वापस आ चुके हैं तोकीर भाई के पास, उसी बैठक पर हम बैठे हैं, ठीक है? तो मगरिब की अजानें मिल चुकी हैं, लेकिन खाने को थोड़ी सी लेट भी है, लेकिन हमने कहा तो अभी हम मगरिब की जो है वो नमाज अदा कर लेते हैं। तो तोकीर को बैठा था कि भाई आप जाए नमाज लें, सर ले आए आप, ठीक है? बिछा भी थी, ओके। तो अभी नमाज पढ़ते हैं जी। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह नमाज अदा कर ली, और यहाँ पर खाना भी आ चुका है, ठीक है? तो अभी देखते हैं कि खाने में क्या क्या चीज़ है। बिस्मिल्लाह, तो माशाल्लाह, तो ये मछली कहें या मच्छी कहें, ठीक है? माशाल्लाह देसी माहौल में साग, शाह साहब माशाल्लाह वाह तौकीर भाई। तो क्योंकि देहात में है तो साग तो बनता था, और ज़बरदस्त यार माशाल्लाह। तो साग के साथ चावल की रोटी, मेरे ख्याल में ये भी रोटी हो गई ऐसे ना, तो ये गंदम की रोटी। तो माशाल्लाह अभी बिस्मिल्लाह करते हैं, खाना खाते हैं सर, बिस्मिल्लाह करें, सीधे हो जाएं। दोस्तों अभी खाना खा लेते हैं, ठीक है? तो उसके बाद फिर मिलते हैं। वाओ, इसी क्वेश्चन की तो तलाश में था मैं सर।
बिस्मिल्लाह करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करूंगा सरसों के साग से, और ये रही चावल की रोटी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह हमने खाना वगैरह जो है वो खा लिया, ठीक है। तो अभी टाइम भी काफ़ी हो चुका है, तकरीबन इस वक्त 8 होने वाले हैं, और सर्दियों में 8 ऐसे लगते हैं कि शायद 12 होने वाले हैं, ठीक है। तो अभी तौकीर भाई से इजाज़त लेंगे। सर बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू कि आपने हमारे आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया, और आपने जो मेहमान नवाजी की उसका भी शुक्रिया, ठीक है, बड़ी मेहरबानी। तो अभी चलते हैं, ठीक सर। तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, तो इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो में मिलेंगे। तब तक दीजिए अपने भाई को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।